नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश के सभी अस्पतालों में 300 प्रकार की दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। अब लगातार 3 दिन तक स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का नहीं कटेगा नाम। बिहार में अंजीर की खेती के लिए सरकार दे रही अनुदान। नीट परीक्षा में 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स हुए रद्द। सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के बाद रोहित शर्मा ने टीम के प्रदर्शन की तारीफ। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में अंजीर की खेती के लिए सरकार दे रही अनुदान। बिहार में अंजीर की खेती के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए पौधों पर किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी। 1 हेक्टेयर में 625 पौधे लगाए जाएंगे, जिसका खर्च 1,25,000 रुपए के करीब में आएगा। इस पर 40% तक का अनुदान सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, यानी किसानों को 40% अनुदान के मुताबिक 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ये राशि किसानों को 3 किस्तों में मिलेंगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसानों को इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। बिहार पुलिस सेवा से 6 IPS अधिकारी को ट्रेनिंग पर भेजने की तैयारी। बिहार पुलिस सेवा के 6 IPS अधिकारी को ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में सभी 6 IPS अधिकारियों की 18 जून से 28 जून तक ट्रेनिंग होगी। दूसरे अधिकारी इन अधिकारियों के गैर मौजूदगी में इसका प्रभार सौंपेंगे। इन 6 अधिकारियों में अमित कुमार जैन, बिहार मानवाधिकार आयोग से डॉक्टर कमल किशोर सिंह, सुरक्षा आयुक्त से डॉक्टर अजिताभ कुमार, अपर मुख्य निदेशक संजय कुमार सिंह, विधि व्यवस्था से अमृत राज अपर पुलिस महानिदेशक और KS अनुपम विशेष सचिव गृह विभाग से का नाम शामिल है। अब लगातार 3 दिन तक स्कूल नहीं आने वाले बच्चों का नहीं कटेगा नाम। KK पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार S सिद्धार्थ ने संभाला है। इस दौरान वे KK पाठक के कई फैसलों को पलटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी कारण से जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनका नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि KK पाठक ने निर्देश दिया था कि जो बच्चे लगातार 3 दिन तक स्कूल नहीं आते हैं, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन S सिद्धार्थ ने कहा है कि किसी भी कारण से अगर कोई बच्चा नियमित रूप से स्कूल नहीं आता है, तो उनका नाम पंजी से नहीं हटेगा। लेकिन यदि वो लगातार 3 दिनों तक नहीं आता है, तो उस दौरान प्रधानाध्यापक, शिक्षक और टोला सेवक उनके अभिभावक से संपर्क करें, फिर बच्चे को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। प्रदेश के सभी अस्पतालों में 300 प्रकार की दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। मरीजों की समस्या को देखते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी श्रेणी के अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे अपने अस्पतालों में कम से कम 300 प्रकार की दवाओं को उपलब्ध करवाएं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने भीषण गर्मी, लू और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बीमारी की भी गहन समीक्षा की है। साथ ही इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि दवाओं की उपलब्धता और वितरण की रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब राज्य के सरकारी संस्थानों को अलग से मिलेगी बिजली। राज्य के सरकारी संस्थानों को अलग से बिजली दिए जाने की तैयारी है। फिलहाल ये डेडिकेटेड फीडर यानी अलग से बिजली किसानों के अलावे मेडिकल कॉलेजों को भी दी जाती है। कंपनी ने संबंधित विभागों से डेडिकेटेड फीडर से बिजली देने के लिए ब्यौरा मांगा है। संबंधित विभागों को ही अलग से बिजली लेने पर इसका खर्च वहन करना होगा। नीट परीक्षा में 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स हुए रद्द। नीट धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद NTA ने जानकारी दी है कि वे 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को रद्द कर रहे हैं। अब केवल इन्हीं बच्चों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि इन बच्चों को एक और ऑप्शन ये दिया जाएगा कि वे या तो रीनीट परीक्षा में शामिल हो या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले मार्कशीट के साथ ही नीट UG की काउंसलिंग में शामिल हो। NTA के मुताबिक 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, फिर इनकी काउंसलिंग होगी। परिणाम 30 जून से पहले आ सकते हैं।
राजस्व कर्मियों के तबादले का फरमान हुआ जारी। चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर शुरू किया जा चुका है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभाग द्वारा भी तैयारी की जा रही है। सभी जिलों के डीएम को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जिलों में तैनात राजस्व कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर है। जो भी राजस्व कर्मी वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, उनकी पोस्टिंग की जाएगी। ग्रामीण इलाके में जो राजस्व कर्मी 5 सालों से एक ही अंचल में है, उन्हें दूसरे अंचल में भेजा जाएगा। और जो शहरी क्षेत्र में 2 साल से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात है, उनकी तैनाती भी ग्रामीण इलाके में ही की जा सकती है। वही जो राजस्व कर्मी की तैनाती इस अवधि से भी कम के समय में की गई है, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के शिकायत आए हैं, तो उनकी तैनाती भी की जाएगी। बिहार के इन तीनों जिलों में खुले गाड़ियों की फिटनेस जांच करने के लिए सेंटर। अब ऑटोमेटिक मशीन के जरिए प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस की जांच की जाएगी। 3 जिलों में स्वचालित फिटनेस टेस्टिंग सेंटर परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें पटना, नालंदा और रोहतास शामिल है। वाहनों की ये जांच मैनुअली की जाएगी। मानक संचालन प्रक्रिया का अनुमति प्राप्त सभी स्टेशनों को अनुपालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र रद्द कर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान तकनीकी पहलुओं को परखते हुए फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, जिसमें ब्रेक, क्लच, स्पीडोमीटर, विंडो ग्लास, हॉर्न लाइट, वाइपर आदि शामिल है। ये टेस्टिंग सेंटर निजी क्षेत्रों की मदद से चलाए जाएंगे। इन निजी क्षेत्रों से विभागों द्वारा आवेदन की मांग की गई है। विभाग की तैयारी है कि ये टेस्टिंग सेंटर प्रदेश के सभी जिलों में खुलें। उमस भरी गर्मी के बीच बिजली खपत का टूटा रिकॉर्ड। भीषण गर्मी में लोगों के बीच बिजली की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। आए दिन बिजली खपत का नया रिकॉर्ड बन रहा है। बीते मंगलवार की रात को सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस दिन लगातार 4 घंटे तक बिजली की खपत 800 मेगावाट के पार देखने को मिली। पिछले साल 775 मेगावाट बिजली की अधिकतम मांग थी। बढ़ती मांग के कारण लोगों की बिजली की आपूर्ति करना भी मुश्किल हो रहा है। सब स्टेशन के पावर ट्रांसफर के साथ ही आपूर्ति ट्रांसफर पर 2 गुना लोड देखने को मिल रहा है। इस वजह से शहर में अच्छी खासी बिजली कटौती करनी पड़ रही है। उमस भरी गर्मी में लोग परेशान हैं। पटना से अयोध्या के लिए बंद हुई विमान सेवा। राम मंदिर स्थापना के बाद विमानन कंपनी स्पाइसजेट पटना से अयोध्या के लिए अपनी उड़ान सेवा दे रहा था, लेकिन अब पटना से अयोध्या के लिए विमान सेवाएं बंद कर दी गई हैं। साथ ही समर शेड्यूल से भी इस फ्लाइट को बाहर कर दिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस मार्ग पर पटना से अयोध्या जाने के लिए सीटें फुल थी, लेकिन वापसी में पैसेंजर नहीं मिल पाते थे। स्पाइसजेट एयरलाइंस को इस मार्ग में विमान परिचालन से लगातार घाटे के कारण अपनी सेवा बंद करनी पड़ी है। आपको बता दें कि 1 फरवरी से इस मार्ग के लिए विमान सेवा शुरू की गई थी। 90 सीटों की उपलब्धता के साथ 2,999 रुपये किराए थे। ऑनलाइन गेम के माध्यम से ठगी करवाने वाला साइबर गिरोह हुआ गिरफ्तार। ऐसे साइबर अपराधियों की खबर सामने आई है, जो वेबसाइट के माध्यम से फर्जी ऑनलाइन गेमिंग ऐप को तैयार करके लोगों से ठगी करते थे। मिली जानकारी के मुताबिक ये साइबर अपराधी बिहार के बाहर दूसरे राज्य के सीमावर्ती जिलों में ठिकाना बना रहे हैं। इस गिरोह के 14 सदस्य यूपी के महाराजगंज जिले से छापेमारी में पकड़े गए हैं। इन 14 सदस्यों में पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से रोशन कुमार, पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज थाना क्षेत्र से शहाबुद्दीन और ऋतिक कुमार सिंह का नाम शामिल है। इसमें से अन्य अपराधी छत्तीसगढ़ और यूपी के हैं। महाराजगंज जिला के कुलहुई थाना क्षेत्र में एक साथ ये साइबर ठग बीते 3 महीने से थे और इस दौरान इन्होंने लगभग 3 करोड़ की ठगी की है। ये अपने ऑनलाइन गेम का प्रचार इंटरनेट मीडिया से भी करते थे। लोगों से ठगी करने के लिए ये एप्लीकेशन की मदद से लोगों का मोबाइल नंबर निकालते थे, फिर उन्हें लिंक भेजते थे। झांसे में आने वाले लोग ऑनलाइन गेम खेलने के लिए उनके भुगतान किए गए पैसों के बदले डिजिटल कॉइन देते थे। मुंगेर विधायक ने जमालपुर रेल विश्वविद्यालय और DRM कार्यालय खोलने की मांग की। मुंगेर से भाजपा विधायक प्रणब कुमार ने दिल्ली स्थित आवास पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात बताई गई। इस दौरान रेल मंत्री से भाजपा विधायक ने जमालपुर रेल कारखाना की चर्चा करते हुए वहां के इतिहास से अवगत करवाया। साथ ही जमालपुर में रेल विश्वविद्यालय की स्थापना और DRM कार्यालय खोलने की मांग की है। आपको बता दें कि देश में 4 रेल विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसके बाद एक रेल विश्वविद्यालय जमालपुर में भी हो, इसकी विधायक द्वारा मांग की गई है।
मालूम हो कि जमालपुर रेल कारखाना एशिया का सबसे पुराना रेल कारखाना है। यहां के इतिहास को जानने के बाद रेलवे मंत्री ने विधायक को आश्वासन दिया है कि वे मॉनसून सत्र के बाद जमालपुर में स्थल विजिट कर मांगों पर सकारात्मक विचार करेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम के शपथ ग्रहण में सीएम नीतीश के नहीं जाने पर राजद का बयान। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन चंद्रबाबू ने शपथ ग्रहण किया। इस दौरान पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बिहार से चिराग पासवान समेत एनडीए और बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश को भी निमंत्रण था, लेकिन वे यहां नहीं पहुंचे। सीएम नीतीश के इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहने के कारण सियासी गलियारों में काफी चर्चा होने लगी है। इस पर अब राजद का बयान भी सामने आया है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि नीतीश कुमार के मन मुताबिक काम नहीं होता है तो वे मौन धारण कर लेते हैं। किसी न किसी तरीके से वे इस बात के संकेत देते हैं कि वे खुश नहीं हैं और अंदर ही अंदर मन में बड़ी हलचल है। किसानों की समस्या को लेकर सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार पर किसानों की समस्या को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने भीषण गर्मी के बीच बिहार में बिजली की समस्या और किसानों के पटवन की समस्या को लेकर बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के परिपत्र जारी करके 1 जून से नहर में पानी छोड़ने का आदेश जारी किया था, लेकिन आज 13 जून हो चुके हैं, अभी तक नहर में पानी नहीं छोड़ा गया है। 15 मई से खरीफ फसल का काम शुरू हो जाता है। बिहार के धान का कटोरा कहे जाने वाले सोन क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के बाद रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ की। सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के बाद रोहित शर्मा ने टीम के प्रदर्शन की तारीफ की है। साथ ही न्यूयॉर्क की पिच की चर्चा करते हुए कहा कि इस पिच पर क्रिकेट खेलना आसान नहीं था। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, सुपर 8 में पहुंचना एक बड़ी राहत है। यहाँ क्रिकेट खेलना आसान नहीं था, हमें तीनों मैच के अंत तक टिके रहना था। इस जीत से हमें काफ़ी आत्मविश्वास मिलेगा। हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, खास करके अर्शदीप सिंह ने किफ़ायती गेंदबाजी की है। शिवम दुबे ने परिस्थिति के साथ खेला है। आपको विकल्प चाहिए और हमें जब भी संभव हो उनका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। आज पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल थी, इसलिए उसका उपयोग करना चाहते थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जन के नाम है विकास दास, राकेश मिश्रा, अंशु कुमारी, सुरभि सुमन, उमेश ऋषिदेव, सादुल्ला पालवी, बिट्टू कुमार, निराला कुमार, छोटू राजा, कृष्णा प्रसाद, ओम प्रकाश कुमार, राजकिशोर महतो, जीवंत मंडल, कृष्णा मुरारी, अनामिका कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के किसानों को अभी किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।